हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न लेकर आई हूँ। ये पैटर्न हमारा फोर सिलाइयों में, आपको फोर सिलाइयों में इसको बनाना है। इस पैटर्न को बहुत ही आसान बुनाई डिजाइन है। ये हमने दो सिलाइयाँ उल्टा उल्टा नीचे से बुन लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बनाना स्टार्ट करेंगे। दो सिलाइयाँ बुनने के बाद आप नीचे से अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर बना लें, फिर यहाँ से अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। तो ये हमने फंदे इसमें डाल लिए हैं। तो इस पैटर्न को किसी भी प्रोजेक्ट में आपको सेट करने के लिए 11 फंदे, 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। 11 फंदे करके पैटर्न बनाने के लिए लेना है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट में सेट करने के लिए फंदे लेने हैं। अब यहाँ पर हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है राइट साइड से। तो ये पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो सिलाइयाँ पहले से बुन लिया है। तो यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा स्टार्ट होता है। तो ये तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों में हम बनाएंगे तीन फंदा। तो इस तरह से ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम आगे ले कर आएंगे और आगे वाला बीच में निकल जाएंगे। तो इस तरह से आगे से डालेंगे। अब इन्हीं तीन फंदों में फ्रेंड्स, आपको फोर रो अच्छे से ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे फिर आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम तीन फंदों का तीन फंदा ही बनाएंगे। तो इस तरह से एक फंदा हमने बुन लिया बैक लूप से, एक फंदा, फिर एक बार धागा लपेटेंगे, फिर उन्हीं तीन फंदों में एक बार फिर से बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा फिर से हमने बुन लिया। तो ये तीन फंदों का हमारा तीन फंदा ही बना है। इसको हम लूज़ ही रखेंगे थोड़ा सा। अब बीच में एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर तीन फंदों को उसी तरह बुनेंगे। ये बीच वाला फंदा हम आगे लेकर आएंगे, आगे वाला फंदा बीच में करेंगे, इसको आगे से डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इन तीनों फंदों को बैक लुक से इस तरह फिर से हम बुनेंगे। बैक लुक से एक फंदा हमने बुन लिया सीधा, फिर धागा लपेटेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, क्योंकि हमें तीन फंदों से तीन फंदा ही बनाना है। तो ये हमने इस तरह से बुन लिया, तीन फंदों का तीन फंदा हमने बना लिया। ये देख सकते हैं आप, एक फंदा बीच में हमने सीधा बुना है। अब धागा अपनी साइड लाएंगे, चार फंदे हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब यही जो हमारा यही पैटर्न जो हमने अभी बनाया है 7 फंदे ये हमारे, और 4 फंदे ये, 11 फंदे। तो 11 फंदे हम यही बार बार रिपीट करेंगे पैटर्न बनाने के लिए। 7 फंदे इसमें और ये 4 फंदा उल्टा। अब यहाँ से फिर वही हम बनाएंगे पैटर्न अपना। तो ये आगे वाला फंदा बीच में लेकर जाएंगे, और ये जो आगे वाला बीच में जो फंदा था उसको हम आगे से डालेंगे इस तरह से। अब बैक लुक से इस तरह तीनों फंदों को एक साथ हम बुन लेंगे, सीधा स्टिच करेंगे ये इस तरह से। अब हम फिर से धागा लपेटेंगे, फिर बैक लुक से इस तरह से सीधा बुनेंगे, देखिए, फिर एक फंदा बीच में सीधा बुनेंगे। अब फिर वही हम रिपीट करेंगे, तीन फंदों में जो बीच में फंदा है उसको हम आगे लेकर आएंगे इस तरह, इसको आगे से डालेंगे। अब इसको हम बैक लुक से तीनों फंदों को इस तरह सीधा स्टिच करेंगे, फिर एक बार धागा लपेटेंगे, फिर यही तीन फंदों को हम एक बार सीधा स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर ये लास्ट में एक फंदा इस स्टिच कर लेते हैं, सीधा बुन लेते हैं। अब आते हैं रॉन्ग साइड सेकेंड रो। सेकेंड रो में अब हम यहाँ आते हैं रॉन्ग साइड दूसरी सिलाई सेकेंड रो। तो ये जो हमने पैटर्न बनाया है उस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। 7 फंदे उल्टा बुनेंगे, और जो हमने बीच में 4 फंदा उल्टा बुना है आगे की साइड से, तो उसको हम रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे ये हम 7 फंदा बुन लेते हैं उल्टा इस तरह से। अब हम धागा करेंगे पीछे। अब ये जो 4 फंदे हमारे बीच में उल्टा बनाए हैं आगे की साइड से, तो उसको हम रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई में सीधा बुनेंगे, 4 फंदे सीधा। अब धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर ये 7 फंदे उल्टा बुनेंगे, 2 3 4 5
6, 7। अब एक फंदा इस स्टिच, इसको हम उल्टा बुन लेते हैं, ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब आते हैं राइट साइड थर्ड रो। थर्ड रो में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पैटर्न हमारा फोर रो में जो हम बनाएंगे वही हमें बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे एक फंदा हम स्लिप करते हैं थर्ड रो में। अब ये जो हमने तीन फंदों का तीन फंदा ये बनाया था, यही तीन फंदे हैं, तो इसमें से दो फंदा हम बुन लेंगे सीधा इस तरह से, 1, 2। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो बीच में फंदा हमने एक सीधा बुना था, तो एक इधर चलेंगे इस पैटर्न से, एक इस पैटर्न से, एक बीच वाला फंदा, इन तीनों को फिर उसी तरह हम रिपीट करेंगे जैसे हमने तीन फंदा का तीन फंदा ही बनाया था, लेकिन इसको हम आगे से डालेंगे इस तरह से, आगे से डालेंगे। अब इसको हम बैक लूप से तीन फंदों को फिर से बुन लेते हैं इस तरह से, तीन फंदों को तीन फंदा ही बनाएंगे, तो इसको हम बैक लूप से बुनते हैं इस तरह से। एक बार सीधा बुना, फिर धागा लपेटेंगे, फिर इसको हम बुनेंगे एक बार, तीन फंदों का तीन फंदा इस तरह हमने बना लिया है। फिर यहाँ पे दो फंदा सीधा, 1, 2। अब दोनों साइडों में हमारा दो दो फंदा सीधा बनेगा और बीच में तीन फंदों का हमें तीन फंदा ही पैटर्न बना के बनाना है, धागा अपनी साइड। अब चार फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4। चार फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से वही रिपीट करेंगे, ये दो फंदा सीधा, 1, 2। दो फंदा सीधा हमने बुन लिया। अब एक फंदा बीच में जो हमने सीधा बुना था इसको लेंगे, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो इसको हम आगे से डालते हैं और ये जो आगे था उसको हम बीच में कर लेते हैं इस तरह से। अब इन तीनों फंदों को बैक लुक से इस तरह से हम सीधा बुनेंगे, एक बार धागा लपेटेंगे, फिर से इसको हम सीधा बुन लेते हैं। तीन फंदों का हमने तीन फंदा ही बनाया। अब आते हैं यहाँ दो फंदा जो हमने सीधा बनाया था उसको सीधा बना लेंगे, फिर लास्ट में एक फंदा एस स्टिच, इसको सीधा बुन लेते हैं। अब आते हैं फोर रो रॉन्ग साइड। तो जैसे हमने सेकेंड रो बुना है उसी तरह से हम रॉन्ग साइड भी, फोर रो भी बुनेंगे। हर सिलाइयों में हमें रॉन्ग साइड से उसी तरह से बुनना है। 7 फंदे हम जो हमारे पैटर्न के हैं उसको हम उल्टा बुनेंगे और ये जो 4 फंदे बीच में हैं इनको हम सीधा बुनेंगे रॉन्ग साइड से, धागा पीछे। अब 4 फंदा हम सीधा बुन लेते हैं, 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब फिर से ये हम 7 फंदा उल्टा बुनेंगे, 4 फंदा हमने सीधा बुना, अब 7 फंदा उल्टा। यही 4 रो जो हमने आपको बताया है यही 4 रो हम बार बार रिपीट करेंगे। पैटर्न हमारा इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। अगर आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनकर आएगा, आप देख सकते हैं इसको हमने ज़्यादा फंदों में बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनकर आया है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनकर आएगा। देखिए लास्ट में, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए, बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। एक और वीडियो मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।